Hello students, in this video we will learn about data handling, how to represent data in graphical form. So, हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले कितने तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 8th क्लास में हमारे यहाँ तीन तरह के ग्राफ बनाने के लिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल बार ग्राफ होता है, सेकेंड नंबर पे हिस्टोग्राफ और थर्ड नंबर पे पाई चार्ट. तो बार ग्राफ पहले भी आपने 6th-7th क्लासेस में पढ़ा हुआ है. तो बार ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, बार ग्राफ कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे रीड करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन टू बार ग्राफ. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द व्हाट इज द बार ग्राफ. बार ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. डाटा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ये डाटा का. इसमें क्या यूज लेते हैं हम, इसमें ये वर्टिकल लाइन होती है, ये ओरिएंटल लाइन होती है, यहाँ जीरो लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, ये कौन सी होती है वाई एक्सिस होती है, ठीक है. और फिर हम जो इंफॉर्मेशन देंगे वो इस तरह से होगा, ये एक्स एक्सिस पे आइटम्स आते हैं. मान लो यहाँ पे कोई क्लास के बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पे मान लो हम जैसे भी ग्राफ बनाएंगे, इयर्स लेंगे, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया मान लो हमने, और फिर जो बार्स बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं. इक्वल लेंथ के हमें बार बनाने पड़ते हैं इसमें. तो दो तरह के बार ग्राफ हमारे कोर्स में है, सिंगल बार और डबल बार का. तो बार ग्राफ बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है, पहले वाला छोड़ना है एक, फिर दूसरे वाले को एक छोड़ के दूसरा बार इस तरह से बनेगा, फिर थर्ड बार में जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस तरह से बनेगी. तो रिमेम्बर फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस नॉलेज एंड ड्रॉ द बार ग्राफ. सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ बार ग्राफ. तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है. जस्ट फॉलोइंग टेबल शो द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल इन वेरियस ईयर. यानी बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिया हुआ है किसी पर्टिकुलर ईयर्स के लिए. 2011 में 100 स्टूडेंट थे, 2012 में 75, 2013 में 150, 2014 में 125 और 2015 में 150 स्टूडेंट थे किसी पर्टिकुलर स्कूल में. इसके बाद में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले और फिर ये क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे कि हाउ टू रीड द बार ग्राफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सेस बनानी होती है. ये वाली एक्सेस एक्स एक्सेस होगी और ये वाली वाई एक्सिस है. ओरिजेंटल एक्सिस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं वर्टिकल एक्सिस. और यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है. जीरो से इक्वल डिस्टेंस के लिए हम देखेंगे कि हमें कितने 1, 2, 3, 4, 5 इयर्स के लिए लेना है. तो यहाँ पे कम से कम हमारे पास 5 और 5, 10 होने चाहिए. तो इक्वल डिस्टेंस पे हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 पॉइंट्स बना लेंगे. और ये जो पॉइंट होगा वो 2011 के लिए होगा, ये पॉइंट 2012 के लिए होगा, ये फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे 2013 के लिए. यानी हमें एक एक ब्लॉक छोड़ना है ग्राफ में और एक एक पर हम बार बनाएंगे. फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे, ये किसके लिए होगा 2014 के लिए और ये 2015 के लिए. तो ये क्या हो गए, ये इयर्स हो गए और यहाँ पे इयर्स लिख के ऐसे एरो बना देते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट चलेगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने देखा कि सबसे कम है 75 और हाईएस्ट कितना जा रहा है 150. तो हम क्या करेंगे 25-25 के इक्वल डिस्टेंस बना लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये क्या है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस साइड चलेंगे. और पहला नंबर है 25, 50,
75, 100, 125, 150. अब देखो हमारे पास 150 सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो 150 तक ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अब पहला बार बनाते हैं हम, 2011 में कितने स्टूडेंट थे, 100, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये बार हमारा एज इट इज बनेगा। ओके, और इसके ऊपर जाए तो हम लिख सकते हैं 100। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, 2012 में कितने स्टूडेंट हैं, 75, तो 75 के सामने जाएंगे बिल्कुल बार पे, और ये वाला जो बार होगा ये 75 वाला बार बनेगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास है 150 2013 के लिए, और 150 के सामने इतना काफी है, ये हो गया, तो ये जो बार बनेगा ये 150 का होगा। आपको ये ध्यान रखना है सारे बार इक्वल लेंथ के होंगे, यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के ही बार बनेंगे, या हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ग्राफ पर ये नहीं है। नेक्स्ट वाला 2014 में कितना है, 125, तो 125 के जस्ट सामने ये 2014 का बार बन जाएगा, और ये कितने हैं, 125। अगेन हमारे पास 2015 में फिर 150 का ही है, तो इसके सामने इस तरह से ये 150 का ड्रॉ होगा, और ये बनेगा 150 के लिए। और हम चाहे तो इन बार को शेडिंग भी कर सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। शेडिंग करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो इसमें शेडिंग, और ये जो बार बनेंगे ये रिप्रेजेंट करेंगे परफेक्टली इसको। नाउ अब इसके बाद में हम इनके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज इंफॉर्मेशन गिवन बाय बार ग्राफ। तो इन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इसका स्केल और लिखना सिखा देता हूँ। स्केल एक्स एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर विथ ऑफ बार, बार की विथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है हमने, वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 स्टूडेंट। तो स्केल लिखना भी सबको आना चाहिए, यहाँ मार्किंग करनी आनी चाहिए कि यस लिखते हैं यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखें। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, व्हाई बार ग्राफ रिप्रेजेंट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा इसमें ए का, इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ्स इन वेरियस ईयर। तो बहुत सारे सालों में स्ट्रेंथ्स की वेरियस ईयर में क्या बार दिखाया हुआ है, स्ट्रेंथ दिखाया हुआ है। इन विच ईयर स्ट्रेंथ मैक्सिमम, किस साल किन ईयर्स में इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितनी है, 150 आ रही है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 2013 और 2015, दोनों सालों में इक्वल थी, और कितनी थी, 150। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ इन 2012 और 2015। 2012 में हमारे पास कितने हैं, 75, 2015 में कितने हैं, 150, तो 150 माइनस 75 करेंगे क्या आएगा, 75। तो इस तरह से बार ग्राफ की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। Now, in second type of bar graph, we have double bar graph. Double bar graph में क्या होता है कि comparison होता है of two sets. दो sets में से कुछ भी हो सकता है, दो team हो सकती है, दो बच्चों के marks हो सकते हैं, दो क्लासों के results के बारे में बात कर सकते हैं। तो comparison जो होगा वो दो चीजों में होगा हमेशा, ध्यान रखना। और दोनों के जो ग्राफ्स बनेंगे वो ऐसे ही सेम बनेंगे, जैसे यहाँ पे जीरो ले लिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा ग्राफ, पहला वाला ग्राफ मान लो इस तरह से बनेगा, तो दूसरा ग्राफ उसके साथ में बनेगा, चाहे उसकी विड्थ कितनी हो जाए, कम हो जाए। एक को हम शेडिंग कर देंगे और एक को बिना शेडिंग करेंगे। तो जैसे किसी कोई टीम के लिए है, तो ये एक ही
रिजल्ट के लिए बताएगा। अब फिर एक छोड़ेंगे ब्लॉक को और फिर दूसरा ग्राफ बनाएंगे किसी का, मान लो ये ऐसे बनता है और इसका रिजल्ट इस तरह से आता है, तो ये फिर इसको सेट कर देंगे। तो मान लो फर्स्ट का ये रिजल्ट है, सेकंड का ये रिजल्ट है, इनकी हाइट्स अलग अलग आएंगे लेकिन ये दोनों ग्राफ एक साथ पास पास बनेंगे और इनकी विड्थ भी इक्वल लेंगे हम, जिससे कि रिप्रेजेंट करना आसान होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसमें कि यहाँ दो टीम है, ए और बी टीम है, और उनके ओवर्स के लिए रन बता रखे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच ओवर के लिए डिस्कस करा हुआ है टीम ए ने क्या कितने स्कोर करा है, टीम बी ने कितना करा है। तो हम इसका एक ग्राफ बना के देखते हैं, डबल ग्राफ बुला कि किस तरह से बनेगा। तो अब जैसे कि हमने एक्सेस बना दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएंगे ओवर्स आएंगे ये, और ओवर्स का इस तरह से। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवर लेने हैं तो मुझे सबसे पहले एक ब्लॉक छोड़ना है और यहाँ पे ये फर्स्ट ओवर के लिए आ जाएगा, ठीक है। फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे, ये सेकंड ओवर के लिए आ जाएगा दोनों का, दोनों टीम्स को हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे हम और ये आ जाएगा थर्ड ओवर के लिए, और फिर एक ब्लॉक छोड़ के ये आ जाएगा फोर्थ ओवर के लिए, और फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे और ये आ जाएगा फिफ्थ ओवर के लिए। तो इस तरह से हम पहले मार्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपको सबको मालूम है, ये रन्स है। तो रन्स को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इसका एरो इस तरह से बनेगा, इसका एरो ऊपर की तरफ ऐसे बना देते हैं, ये रन्स है इसका और इधर ओवर्स है। नाउ मार्क द फर्स्ट ओवर में देखो, टीम ए का 2 है और टीम बी का 5 है। तो पहले टीम ए का मार्क करता हूँ मैं, यहाँ तक 2 तक जाएंगे इस तरह से, ये देखो, और ये टीम ए का मार्क हो गया। अब पहले टीम ए को क्या कर देंगे, हम सेट कर देंगे, जैसे कि कंफ्यूजन नहीं हो कि टीम ए और टीम बी में क्या। टीम बी का कितना जा रहा है, 5, तो इसको मार्क करके 5 तक ऊपर ले जाएंगे और ये टीम बी का बन जाएगा इस तरह से, ओके ना। और इसमें लिख देना है, इसको मैं ए के लिए लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बी का, ठीक है ना। सेकंड ओवर के लिए फिर देखना है, टीम ए ने 3 और टीम बी के लिए 4, टीम ए के लिए 3 तक जाना होगा और ये 3 तक हो गया ऐसे, और टीम बी के लिए 4 तक जाना होगा। टीम ए को पहले सेडिंग करना जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और टीम बी के लिए यहाँ इस तरह से 1 और। अब आप अच्छे से देख लो इसमें कि ये एडजॉइंट ग्राफ बन रहे हैं, यानी बिल्कुल पास पास चुके हुए बन रहे हैं। दो साइड दे रखे हैं हमारे पास, एक साइड ये है, एक साइड ये है इंफॉर्मेशन का, और दोनों के लिए हम एक साथ मार कर रहे हैं, ये डबल बार ग्राफ कहलाता है। नाउ थर्ड के लिए, सेट थर्ड में 5 और 6 है, तो टीम के लिए पहले 5 के लिए मार्क करेंगे इस तरह से, ये 5 का हो गया, इसको टीम ए का, और ये टीम बी का कितना है, 6 है, तो एक स्केल और ऊपर चला जाएगा ये इस तरह से। आपके बार बिल्कुल बार ग्राफ में सीधे बनेंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्केल का प्रॉब्लम है। नाउ फोर्थ पार्ट में दोनों के इक्वल बन रहे, तो फोर्थ पार्ट में 4 तक जाएगा, और ये भी 4 तक जाएगा, ठीक है। और इसको एक को शेडिंग कर देंगे अगेन, ये ए का है और ये किसका है, बी का। नाउ लास्ट पार्ट में फिफ्थ में 1 और 3 है, टीम ए को कितना जाना है, 1 तक जाना है, तो 1 ये हो गया, और इसको जाना है 3 तक, तो 3 तक इसको बढ़ा देते हैं, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया।
तो सबको अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने में जो इन्फॉर्मेशन टेबल में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। फर्स्ट वाले का टू और फाइव का, तो यहाँ टू तक गया है, यहाँ कहाँ तक गया है, फाइव का। सेकेंड वाले में ए थ्री तक गया है, बी फोर तक गया है, तो आप उस तरह से मार्किंग करेंगे। अब आती है क्वेश्चंस की बारी कि इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि हाउ टू रीड द डबल बार ग्राफ इन विच ओवर द रन स्कोर आर। इससे पहले एक बार क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ इसका स्केल कैसे लिखा जाता है। पहले तो हमें बताना होता है कि जो शेडिंग वाला है वो कौन सी टीम है, ये टीम ए है। बिना शेडिंग वाला कौन सा है, टीम बी। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू विड्थ ऑफ बार, यानी 1 सेंटीमीटर की विड्थ ली है। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रन, यानी 1 सेंटीमीटर में 1 रन लिया। तो ये इसके लिखना भी मस्ट होता है हमेशा, बार ग्राफ हो या कोई भी ग्राफ हो। नाउ क्वेश्चन, इन विच ओवर द रन रिकॉर्ड आर द सेम। देखो आप ग्राफ से किस में दोनों में सेम है, तो फोर्थ वाले ओवर में सेम आता है, तो इसका आंसर आएगा, एक आंसर लिख रहे हैं इन फोर्थ ओवर, ठीक है, बस इतना ही लिखना काफी है। In which team has scored more run in the second over? Second over में जाएंगे, किसने स्कोर ज्यादा करा है, यहाँ पे केवल इतना आंसर लिखना काफी है कि टीम बी। तो इस तरह से हम इसके आंसर्स भी दे सकते हैं, रीड करना भी हमें आना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए।